1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कहता है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एंड आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यही है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 1.1 को देख लेते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए, वन टू थ्री फोर डॉट 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 13 14, डिफाइंड एज R is a relation such that ordered pair XY is the element of the relation R, such that 3X minus Y equal to 0। यही आपका क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में आपको बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 डॉट 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 13 14, डिफाइंड एच एक्स वाई और ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो इसका ये आपका रिलेशन जो है शेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम लोग टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका आपका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा 1 3 होगा। इट मीन्स दैट यदि आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। अब जट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट 3 x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू यदि आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा।
वाई आपका माइनस वाई राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग 2 पुट करते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6। फिर इसी तरह से हम लोग पुट करेंगे 3 तो 9 हो जाएगा। और जब हम लोग 4 यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 12 हो जाएगा, और जैसे ही 5 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 15 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 15 है ही नहीं, तो रिलेशन का एलिमेंट यही हो जाएगा। 13 इज द एलिमेंट ऑफ आर, 26 इज द एलिमेंट ऑफ आर, 39 इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड 412 इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो रूल या प्रॉपर्टी है उसको रिकॉल करेंगे। ठीक, कोई रिलेशन कब आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है और ट्रांजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आर इज नॉट द रिफ्लेक्सिव, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 1 2 2, ये जो है आपका अप टू 14 14 एलिमेंट नहीं है आर का। तो यहाँ लिख सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकाउज रीजन आपका हो जाएगा वन वन टू टू, और इसी तरह से डॉट डॉट लगा करके हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे 14 14 आर नॉट द एलिमेंट ऑफ रिलेशन। उसके बाद आर इज नॉट द आपका सिमेट्रिक भी होगा, इस बिकाउज यहां भी हो जाएगा सिमेट्रिक। का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए आपका 1 3 एलिमेंट है तो 3 1 भी आपका होना चाहिए। यदि 1 3 है, 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो 3 1 को भी एलिमेंट ऑफ द आर होना चाहिए, लेकिन रियली में यहाँ पर है ही नहीं, तो 3 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, तो आर इज नॉट द सिमेट्रिक। अब आपका एक बच जाता है ट्रांजिटिव, देख लीजिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट इस डिकाउज, यहाँ भी रीजन हो जाएगा ट्रांजिटिव के लिए जो रीजन होगा वो हो जाएगा आपका 1 3 3 9, यदि एलिमेंट है 1 3 3 9 एलिमेंट है तो 1 9 भी एलिमेंट होना चाहिए। 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, 3 9 इज द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, बट हियर बट हियर 1 9 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो 1 9 आपका रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिमिलरली वी कैन डू और सॉल्व रेस्ट अदर क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। My next video lecture will be related to the solution of some more questions of this exercise. इसी एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट इन टू द कमेंट बॉक्स।
अगर आपको सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर डिटेल्स और अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन फॉर एडुकेशन के ऑनलाइन लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हैं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं।